पेपर कोर लंबे ट्यूब होते हैं जिनका उपयोग कई अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जो पेपर टॉवल रोल से लेकर केबल रील तक और बीच में कई चीजें होती है। उन्हें पेपर ट्यूब, स्पाइरल वाउंड पेपर कोर और फाइबर बोर्ड कोर भी कहा जाता है। पेपर कोर का व्यापक रूप से कालीन यार्न, कारपेट यार्न, डेनिम और जूट वाइंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। सबमर्सिबल पंपों की पैकिंग में उपयोग किए जाने वाले कोर और इंजीनियरिंग सामानों की मेजबानी पॉलिएस्टर फिल्म और ऑडियो टेप में उपयोग की जाने वाली पॉलिश सतह वाले कोर, अखबारी कागज, कागज और बोर्ड उद्योग, वैश्विक पेपर कोर बाजार की मांग में वृद्धि कई कारणों से मजबूती से बढ़ने की उम्मीद है। पेपर कोर बाजार के विकास में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक कपड़ा, चिपकने वाला टेप और तार आदि जैसे विभिन्न उद्योगों द्वारा उत्पाद की बढ़ती मांग है। इसके अलावा पेपर कोर पूरी तरह से रिसाइक्लेबल, रीयूजेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो वैश्विक पेपर कोर मार्केट के महत्वपूर्ण विकास में योगदान देता है। इसलिए आज मिडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आए हैं पेपर कोर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री। रॉ मटेरियल, क्राफ्ट पेपर रोल, एडहेसिव कोटिंग, पैकेजिंग मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरीज, पेपर ट्यूब मेकिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन। प्रोसेस की शुरुआत पेपर रोल से होती है, जहां यह रोल पेपर ट्यूब मेकिंग मशीन के स्ट्रैंड में लगाए जाते हैं। इसके बाद कैस्केडिंग ग्लूइंग सिस्टम की मदद से पेपर प्लाइज पर ग्लू लगाया जाता है। फिर एक मैंड्रिल पर पेपर के पाइल्स घुमाए जाते हैं। यह प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तैयार पेपर कोर की कटिंग की जाती है। इस बिजनेस की अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे YouTube चैनल मिडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।